यार जानवरों और इंसानों में जो एक फर्क है ना, जो जानवरों के हक में जाता है वो ये है कि जानवरों को अपने ऊपर तरस नहीं आता, तो उन पर कोई भी मुसीबत आ जाए उनको यही लगता है कि भाई ये हमारे और हमारे जीने के बीच में एक चुनौती है जिससे हमें ऊपर किसी भी हाल में उठना ही उठना है। और योयो भी इन्हीं जानवरों में से एक है। मैं अपने घर के नीचे ऐसे ही वॉक पे गई थी तो मैंने देखा कि एक डॉगी है और ये जो है पीछे से चल नहीं पा रहा था, पैरालाइज्ड है। तो वहाँ पे मैंने आंटी से पूछा कि इसको हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसको एक सरदार जो है वो छोड़ के गए यहाँ पे, बोलते कि मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, आप इसको खाना वगैरह दिया करो। और वो छोड़ के इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कोई नया डॉग खरीद लिया, तो वो इसको वहाँ पे छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे लोगों के पास जिनके पास खुद को भी खाने के लिए खाना नहीं होता, उनके पास छोड़ के गए वो। योयो को एक बहुत बुरी स्पाइनल इंजरी थी क्योंकि 2.5 साल पहले उसे किसी ने सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, तो उसकी वजह से उसके पीछे के दोनों पैर पैरालाइज भी हो गए। तो हमने उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट तो कर दी थी लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। एक और प्रॉब्लम ये थी कि हम उसे बाकी डॉग्स की तरह बाहर घुमा नहीं पाते थे, तो फिर वो अपने कैनल में ही घूमने लगी, लेकिन पैर ड्रैग करने की वजह से उसके और घाव होने लगे। योयो एक बहुत ही एंथुजियास्टिक डॉग है लेकिन उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये योयो है। योयो को 2.5 साल पहले किसी शराबी ने एक इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। योयो की कहानी जानने के बाद शांतनु मिश्रा, शालिनी सिन्हा और विवेक टंडन जी ने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने मिलके उसके लिए फंडरेज करना शुरू किया। इन फंडरेज किए हुए पैसों से हमने योयो के लिए एक व्हीलचेयर खरीदा और इससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तो अभी टाइम हो गया योयो की एनरिचमेंट का, लेकिन उसको बाहर निकालने से पहले हमें थोड़ी प्रिपरेशन बिफोर हैंड करनी पड़ती है, जैसे कि उसकी चेयर सेट करना, क्योंकि उसके पास एक व्हील चेयर है, वो ऐसे नहीं वॉक कर सकती है, तो उसकी व्हील चेयर हम बाहर निकालेंगे और उसको डाइपर पहनाएंगे। योयो का डाइपर दे दो यार। यो हाय योयो, कम ऑन। यस हाय। देयर गोज योर टेल। आगे से पकड़ लो। व्हीलचेयर आने के बाद योयो की फिजियोथेरेपी ऑटोमेटिकली हो रही है और इसकी एनरिचमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। पहले उसको कैनल के अंदर ही रहना पड़ता था लेकिन अब ऐसा है कि क्योंकि व्हीलचेयर है उसके पास, वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, खुद चला लेती है। गुड गर्ल यो। Good girl. There you go. Very good. You're the best. You're the best. Who's the best? Who's the best? बाकी लोग शायद योयो को एक डिसेबल्ड डॉग या एक स्पेशल डॉग के नज़रिए से देखते हैं, पर जिस तरह से वो हमारे साथ प्ले एरिया में घूमने आती है, जिस तरह से वो अपनी गाड़ी पे तेज़ दौड़ के जाती है,
मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए ऐसा कुछ सोचती होगी या वो अपनी कंडीशन को लेके मायूस है। खाली एक व्हीलचेयर की कमी थी उसकी लाइफ में एक नॉर्मल डॉग की तरह जीने के लिए, और व्हीलचेयर आने से उसकी लाइफ में अब रफ्तार आ गई है। Come here. Come on. Yes. Yes. Sorry, treat Collie. यो-यो रोज अपनी टांगे घसीट के चलती थी, वो गंदी भी हो जाती थी, पर उसने अपनी जीने की चाह नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से बेशक अपाहिज थी, उसने अपने आप को अंदर से अपाहिज नहीं होने दिया, क्योंकि उसके अंदर जीने की एक जिद थी, एक जुनून था, और वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि वो क्या चाहती है, वो जीना चाहती थी। अगर हमें भी चाहिए ना कि ऐसा ही जिद हो, जुनून हो, हमें भी कोई समस्या बहाना ना लगे, हमें एक समस्या एक चैलेंज लगे जिससे हमें ऊपर उठना है, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें बताओ कि हम लाइफ से आखिरकार चाहते क्या हैं।